ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए देश की कमान रूस की खुफिया एजेंसी KGB के पूर्व चीफ को सौंप सकते हैं। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है और उन्हें कैंसर की तत्काल सर्जरी करानी होगी, जिसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीग्राम चैनल SVR ने क्रिमिनल के बड़े अधिकारी के हवाले से ये दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने पुतिन को सर्जरी की सलाह दी है। सर्जरी की डेट फिलहाल तय नहीं हुई है और उसको लेकर बात चल रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तत्काल सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे आगे के लिए टाला भी नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि ये सर्जरी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही होनी थी, जिसे आगे के लिए टाल दिया गया। इस बीच कहा जा रहा है कि पुतिन रूस का पूरा कंट्रोल और यूक्रेन से युद्ध का पूरा जिम्मा सिक्योरिटी काउंसिल के हेड और पूर्व KGB काउंटर इंटेलिजेंस अफसर निकोलेय पेत्रुसेव को सौंप सकते हैं। 70 साल के खुफिया अधिकारी निकोलेव को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। गौरतलब है कि पुतिन की सर्जरी की खबर ऐसे समय पर आई है जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध विराम की घोषणा होने की संभावना है। पुतिन ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दे दिया है। हालांकि रूस की तरफ से औपचारिक तौर पर फिलहाल युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई है। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। देश और दुनिया की जरूरी खबरों के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।